मार्केट में आपने ट्रेंड देखा होगा कि मीम्स का ट्रेंड चल रहा है और इसी के साथ साथ RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन शायद आप एक ट्रेंड को इस वक्त मिस कर रहे हैं, वो है इथेरियम बेस्ड कॉइन्स। यहाँ पे आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि बाइनेंस के ऊपर कॉइन आया था। इसकी फॉर्मिंग हो रही थी लॉन्च पूल के द्वारा ETH फाई के नाम से, और ETH फाई आई थिंक पिछले कई सालों से एक ऐसा पहला कॉइन आया है जिसकी इतनी जल्दी ऊपर वैल्यू गई है और नीचे जाने के बाद भी ये अगेन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, यानी कि ये फिर से पंप होना शुरू हो चुका है। जनरली क्या होता है, जब भी लॉन्च पूल आता है या फिर जब भी कोई नई कॉइन की लिस्टिंग आती है, वो एक बार पंप होता है, उसके बाद वो अपने ऑल टाइम हाई को कभी भी ब्रेक कर ही नहीं पाता। लेकिन ETH फाई एक ऐसा कॉइन था जो कि $3-4 तक उस दिन भी गया था लिस्टिंग वाले दिन, और उसके बाद ही फिर से $8-8.5 तक गया है जो कि पिछले एक दो दिन के अंदर पहुंचा है। तो अगर आपने ETH फाई मिस कर दिया है तो आई थिंक अभी जो नेक्स्ट कॉइन है वो भी इथेरियम बेस्ड कॉइन ही है, तो वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। वंस अगेन आपको बता दूं कि ये जो ETH फाइज मुझे मिले थे टोटली फ्री में ही मिले थे, तो मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इसको सेल कर दिया $3-4 के आसपास। अभी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पड़ी है जो कि मुझे कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसकी वैल्यू 2-3 गुना उसके बाद भी होने वाली है। और आज हम रियलिटी देख पा रहे हैं कि इथेरियम बेस्ड जो कॉइन्स हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट में, उनकी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉइन ही बल्कि ओवरऑल प्रोजेक्ट ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। सिमिलरली अब आपने भी अगर ETH फाई पहले मिस कर दिया या फिर जैसे मैंने सेल कर दिया, अभी सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो एथीना के नाम से है, अगेन ये बाइनेंस के ऊपर ही आया है। एज ऑलवेज आपको हमेशा बताता हूँ कि ये जो कॉइन है हमें फ्री में ही मिलने वाला है वंस अगेन, जो कि आपको बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर मिलेगा। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, पहले पैसा नहीं लगाना है, ना ही आपका पैसा लगने वाला। यहाँ पे जो भी मिलेगा फ्री में होगा, तो यानी कि आपका जो टोटल लॉस है वो बिल्कुल जीरो रहता है। लॉस तो जीरो रहेगा लेकिन प्रॉफिट आपका डेफिनेटली होने वाला है। तो ये लॉन्च पूल के ऊपर आपने कॉइंस कैसे लेने हैं और इनकी लिस्टिंग की वेट करनी है, आपको कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, ये सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें, वॉफ्टवुड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी मैं 2 एयर ड्रॉप्स इस वक्त चला रहा हूँ, एक $5 का एयर ड्रॉप है और एक $50 का एयर ड्रॉप है। जो $5 वाला एयर ड्रॉप है ये हमारे 50 क्वालिफाइड यूजर्स के लिए, जो कि खासकर हमारे जो वॉल्फ ट्रेडर्स हैं उनको मिलने वाला है। तो $5-5 आप सभी सिक्योर कर सकते हैं, एक तो ये वाला एयर ड्रॉप हो गया और दूसरा है हमारा $50 का एयर ड्रॉप, तो वो भी आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये बिटमार्ट की तरफ से मिलने वाला है, क्योंकि बिटमार्ट के 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो अपनी एनिवर्सरी मनाते हुए हमें भी ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे रहे हैं, खासकर हमारे वॉल्फ ट्रेडर्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था ETH फाई, इसकी वैल्यू करंटली चल रही है $6.62 के आसपास, एंड आपको बताया कि इसकी वैल्यू अनएक्सपेक्टेडली ऑलमोस्ट $8.5 तक पहुंची है, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और ये सारी की सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुए हैं, तो सोचा ये नहीं था कि इसकी वैल्यू दोबारा भी पंप होगी। आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में शायद $3-4 के आसपास ही थी, और सडनली ये पंप होना शुरू हो गया फिर से और इसकी वैल्यू $7-8.5 तक पहुंची। तो यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेंड ही चल रहा है, यानी कि बिटकॉइन तो पंप हो ही रहा है, बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम भी ऑलरेडी पंप हो रहा है, आपको पता है $3,500 के आसपास चल रहा है और यहाँ तक कि $4,000 तक भी बीच में पहुंचा था। तो मार्केट ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिश है, जिसकी वजह से जो टॉप मोस्ट या फिर बेस्ट अगर कोई ऑल्टकॉइन है तो वो इथेरियम है, और इथेरियम के बेसिस पर कोई भी कॉइन आएगा, चाहे वो ETH फाई था, चाहे आज हम इथेना की बात करने वाले हैं, तो एथीना जैसे कॉइन्स भी हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो ये आपको फ्री में कॉइन्स कैसे मिलेंगे वो जानने से पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट को देख लें इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर ही। Athena.fi कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो Ether.fi था वैसे ये Athena.fi आ गया, यानी कि जो ट्रेंड में आता है सिमिलर वैसे प्रोजेक्ट्स और भी आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट सडनली आ जाते हैं, ये प्रोजेक्ट्स पहले ही मार्केट में होते हैं। यही कारण है कि इनकी इतनी ज़्यादा यहाँ पे बैक्ड अप कंपनीज हैं जिन्होंने इनको बैकअप किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बाइनेंस लैब्स है, OKX वेंचर्स है, बायबिट मिराना है, डेरिबिट है, ड्रैगन फ्लाई है, तो ये सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट शायद पहले भी चल रहा था, यही कारण है कि यहाँ पे APY 35.4% मिल रहा है, तो बहुत ही बड़ा APY मिल रहा है, शायद मुझे लगता है कहीं और मिल रहा होगा। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि इनका जो इथेना के जो मेन वेबसाइट है, क्योंकि एक डिफाई वेबसाइट है, डिफाई प्रोजेक्ट है, इनके ऊपर जो मिल रहा है, तो यहाँ पे ये अपना दे रहे हैं 35%, और अर्ली एक्सेस के लिए इन्होंने कोड रखा है, इनवाइट कोड अगर आपके पास होगा तो तभी आपको अर्ली एक्सेस मिलने वाली है। तो अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए सोल्यूशन जरूर ढूंढ के लाऊंगा कि अर्ली एक्सेस आपको कैसे मिल सकती है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है। इसका कॉइन आप देखोगे ENA के नाम से है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाओगे यहाँ पे $0 वैल्यू दिखने वाली है, कोई कुछ भी नहीं दिखने वाला, कोई खास डिटेल नहीं है, मार्केट कैप 0, वॉल्यूम 24 आवर्स का 0, एवरीथिंग इज 0, क्योंकि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। टोटल मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 15 बिलियन ENS की सप्लाई है, एंड डेफिनेटली ये वाला कॉइन भी जहां तक मुझे लगता है $4-5 बहुत ही आसानी से जाने वाला है, एंड इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि ये कॉइन मैं सडनली सेल ना करूँ,
पहले भी मैंने पार्ट्स में सेल किया था, लेकिन मैंने मेजर पोर्शन जो था वो सेल कर दिया था। तो इस वक्त थोड़ा और स्ट्रेटजिकली चलेंगे ताकि हमें जो फ्री में कॉइंस ईएनए मिलने वाले हैं लॉन्च पूल के द्वारा, उसी कॉइंस के द्वारा हमें एक बड़ा प्रॉफिट भी मिल पाए। तो यहाँ पे जो लॉन्च पूल आया है सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ही नहीं आया, बाइनेंस के साथ साथ बायबिट के ऊपर भी आया है, एंड डेफिनेटली ये बिटमार्ट के ऊपर भी आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास बाइनेंस होना चाहिए, बाइनेंस नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाइनेंस अगर आपका नहीं चल रहा है तो वीपीएन लगाओ, अपना बाइनेंस चलाओ। तो बाइनेंस कभी मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि आज नहीं चल रहा है, यूआरएल नहीं खुल रहा है, आगे आने वाले समय में बिल्कुल ही चलेगा, क्योंकि एफआईयू की जो रेगुलेशंस है उसको ये बिल्कुल कंप्लाई करेगा ही करेगा। तो बाइनेंस के ऊपर मुझे अभी भी भरोसा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जब बाइनेंस खोलोगे तो आप लॉन्च पूल लॉन्च पैड के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जिसमें आपने लॉन्च पूल ढूंढना है, या फिर जहाँ पे सर्च ऑप्शन है, जहाँ पे हम कॉइन सर्च करते हैं वहीं पे भी अगर आप लॉन्च पूल सर्च करोगे या फिर लॉन्च पैड सर्च करोगे आपको डेफिनेटली वहीं पे मिल जाएगा। तो लॉन्च पैड खुलते ही, लॉन्च पूल खुलते ही यहाँ पे एथीना आपको दिखेगा जिसकी फार्मिंग चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की ही फार्मिंग है, बहुत ही कम समय की फार्मिंग है, लेकिन एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आप मेरे खुद रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, मेरे अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स जो FDST पूल के हैं। 13 तो मैंने अनक्लेम्ड है मेरे, मतलब क्लेम नहीं किए, 14 मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिए कि इतनी फास्टली इसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं BNB का देखा तो यहाँ पे मुझे 5 रिवॉर्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, यानी 7 मेरे अनक्लेम्ड है जो कि मैं अभी क्लेम कर लूँगा। तो इस तरीके से इसका जो रिवॉर्ड की स्पीड है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फास्टली मिल रहे हैं हमें। तो एथीना को यहाँ पे एक सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल बोला गया, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई बनाने वाला है मार्केट में। और वैसे भी अगर अच्छा डिफाई प्रोजेक्ट और वो भी बाइनेंस के ऊपर आए, देन डेफिनेटली उसमें कोई भी डाउट नहीं रहता कि वो अच्छा ही हाइप बनाने के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी देता है। तो एथीना के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे अब थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, आई थिंक मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पे 2 पूल्स आपको मिल रहे हैं, BNB पूल, FTST पूल। जितना भी स्टेक करोगे उतना पैसा यहाँ पे चला जाएगा। पहले हम FTST की बात करते हैं, जो भी आपके पास USDT पड़े हैं या फिर स्टेबल कॉइन पड़े हैं, कहीं पे भी पड़े हैं, या फिर आप चाहो तो किसी और कॉइन को भी FTST में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको यहाँ पे आप स्टेक कर दो। स्टेक के ऊपर क्लिक करोगे पूरा के पूरा यहाँ पे स्टेक हो जाएगा, मैक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो मैक्सिमम स्टेक हो जाएगा, और जितना चाहो उतना स्टेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा करना है। स्टेक करो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप रिडीम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मैक्सिमम रिडीम कर सकते हैं या फिर जितना चाहे उतना रिडीम कर सकते हैं। कभी भी अपना पैसा लगाओ, कभी भी अपना पैसा निकालो। सिमिलरली ये हमने FDST की बात करी, सिमिलरली BNB भी यही है, स्टेक कभी भी करो, कितना भी करो, और रिडीम कितना भी करो, पूरा ही चाहे रिडीम कर लो जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लॉन्च पूल की कि आपका पैसा अटक नहीं जाता, यानी कि पैसा आपका आपके पास ही है, सिर्फ इतना है कि वो स्पॉट वॉलेट से चला जाता है लॉन्च पूल में। लॉन्च पूल से कभी भी रिडीम करके स्पॉट वॉलेट में आप ला सकते हैं। रही बात रिवॉर्ड्स की, यानी कि ये जो ENA कॉइन्स मिल रहे हैं ये कभी भी आप क्लेम रिवॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करके क्लेम कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे। अगर आप रिडीम नहीं करते अपना स्टेक अमाउंट, या फिर अगर आप रिडीम नहीं करते अपना रिवॉर्ड, या फिर जो क्लेम है रिवॉर्ड को क्लेम नहीं करते, तो ये अपने आप आपके वॉलेट्स में आने ही वाला है। तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता तो आपने सिर्फ एक चीज़ की करनी है कि जिस दिन ये लिस्ट होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लिस्ट होने के साथ साथ आपने इसको ट्रेड ज़रूर करना है, अपना प्रॉफिट ज़रूर निकालना है। इतनी ज़्यादा कॉइन्स मिल रहे हैं तो इसका प्रॉफिट जितना बनता है बनाओ, ज़रूर बनाओ, और कुछ कॉइन्स रख लो ताकि अगर ये इथरफाई जैसा थोड़ा बहुत भी ऐसी अगर पोटेंशियल है और परफॉर्म करता है तो आने वाले समय में हमारे पास अगर 5, 10, 20, 50 कॉइन्स भी पड़े हैं तो वही इथेरियम जैसे कॉइन्स भी बन सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन कोई भी डाउट है अगर आपको इस प्रोजेक्ट को लेकर नीचे कमेंट करो, किसी और पर्टिकुलर कॉइन या प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा। और हाँ, टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट अपने आप ही देता रहूँगा कि कब इसकी लिस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।